दोस्तों, करवा चौथ 2023 में कब है और कब निकलेगा, चांद और क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त और सर्गी किस समय खाना है, कौन देता है सर्गी, जानिए सब कुछ ज्योतिष के अनुसार। दोस्तों, भारत में हिंदू धर्म ग्रंथों, पौराणिक ग्रंथों और शास्त्र आदि के अनुसार हर महीने कोई ना कोई उपवास, कोई ना कोई पर्व, त्योहार या संस्कार आदि आता ही रहता है, परंतु कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को जो व्रत किया जाता है उसका सुहागिन स्त्रियों के लिए बहुत अधिक होता है। दरअसल इस करवा चौथ का व्रत किया जाता है। आज हम करवा चौथ के चांद से लेकर के कपड़े और खाने तक की संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार समझा जाता है कि जो प्रेमी जोड़े इस व्रत को रखते हैं तो उनमें एक दूसरे के लिए सबसे ज्यादा मोहब्बत होती है। करवा चौथ व्रत प्रेम का चिन्ह भी समझा गया है। ये न केवल पति की उम्र बढ़ाता है बल्कि यह प्यार को दोनों के बीच कई गुना बढ़ा देता है। ये व्रत ही नहीं होता अपितु इसमें प्यार छुपा होता है। ये व्रत सच्चे प्रेम को दर्शाता है। दोस्तों, इस व्रत को सच्चे प्यार की निशानी मानी जाती है। दोनों के बीच एक रिश्ता ऐसा जुड़ जाता है जैसे मानव प्रकृति आपस में बातें कर रही हो, जैसे धरती और अंबर, जैसे सागर और नदी का मिलन होता है। उसी तरह करवा चौथ पर प्रेमी जोड़ों के लिए आपस में प्यार समर्पण करने का विशेष दिन समझा जाता है, विशेष व्रत आदि समझा जाता है। करवा चौथ का व्रत पति पत्नी दोनों को मिलकर करना चाहिए। यदि किसी कारणवश ना कर पाए तो पत्नी को करना चाहिए। पत्नी यदि बीमार हो तो पति को पत्नी के लिए आत्मसमर्पण हेतु व्रत आदि करना चाहिए। ऐसे में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती अत्यंत आश्चर्यजनक रूप से प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, समझा जाता है कि इससे जीवन सुखद होने लगता है। हालांकि पूरे भारतवर्ष में हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग बड़े धूमधाम से इस त्योहार को मनाते हैं, परंतु उत्तर भारत, खासकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि में इस दिन अलग ही नजारा होता है। दोस्तों, करवा चौथ व्रत के दिन एक और जहां दिन में कथाओं का दौर चलता है तो दूसरी ओर दिन ढलते ही विवाहिताओं की नजरें चांद के दीदार के लिए बेताब हो जाती है। चांद निकलने के पश्चात घरों की छतों का नजारा भी देखने लायक होता है। दोस्तों, ये सभी जानकारी हम बारी बारी से बताएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहना और एक लाइक अवश्य करें, कमेंट्स में लिखे जय मां, क्योंकि ये व्रत पार्वती जी को समर्पित होता है। जब आप कमेंट में जय मां पार्वती लिखते हैं तो इससे आपके पति की आयु बढ़ेगी तथा पत्नी की आयु बढ़ेगी। दोस्तों, दरअसल सारा दिन पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखने के पश्चात के चमकते चांद का दीदार कर अपने चांद के हाथों से निवाला खाकर अपना व्रत खोलती है। करवा चौथ का व्रत सुबह सूर्योदय से पहले ही 4 बजे के पश्चात शुरू हो जाता है और रात को चंद्र दर्शन के पश्चात ही खोला जाता है। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान श्री गणेश जी की पूजा की जाती है और करवा चौथ व्रत की कथा सुनी जाती है। मान्यता है कि विवाह उपरांत 12 या 16 साल तक इस व्रत को किया जाता है। दोस्तों, परंतु इच्छा अनुसार जीवन भर भी विवाहिताएं इस व्रत को रख सकती है। समझा जाता है कि अपने पति की लंबी उम्र के लिए इससे श्रेष्ठ कोई व्रत आदि नहीं होता। दोस्तों, अब हम ये जानते हैं कि आखिर 2023 में करवा चौथ कब है और क्या है। पूजा का शुभ मुहूर्त, शास्त्रों में कहा गया है कि शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ करने से पति पत्नी में प्रेम कई गुना बढ़ जाता है, सभी देवी देवताओं का एक साथ मिलता है। जानिए चांद निकलने का समय, तारीख और पूजा का शुभ मुहूर्त। दोस्तों, 2023 में इस बार करवा चौथ नवंबर के महीने में यानी 1 तारीख को मनाया जाएगा और इस दिन बुधवार है और पूजा करने का मुहूर्त है 5:36 से लेकर 6:54 तक, जो कि पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। इसी मुहूर्त में आपको पूजा पाठ करना है और चांद निकलने का समय 8:15, जो कि इस बार चांद जल्द ही निकलेगा। हर जिले में चांद अलग अलग निकलता है, अलग अलग समय पर निकलता है, परंतु चांद निकलेगा अवश्य। आपका व्रत संपूर्ण और सफल होगा अवश्य। दोस्तों, विशेष करवा चौथ पर सुहागिन महिलाएं करती हैं एक बड़ी गलती, जाने अनजाने में पहन लेती हैं ऐसे कपड़े जिसके कारण पति पर आते भारी संकट। इसीलिए विशेषकर करवा चौथ पर ऐसे कपड़े और सिर पर ऐसी चुनरी कभी ना ऊंधे। दोस्तों, करवा महिलाओं का एक महत्वपूर्ण व्रत है जिसे देश भर में बड़ी ही श्रद्धा और प्यार से मनाया जाता है। बॉलीवुड में लगभग सभी अभिनेत्रियां इस व्रत को भलीभांति करती हैं। आपको बता दें,
विदेशों में रहने वाली महिलाएं भी करवा चौथ को मानती हैं। ऐसे में करवा चौथ की शॉपिंग तैयारियां महिलाएं कई दिनों पहले से ही करना शुरू कर दें। है परंतु क्या आप जानते हैं, खास तौर पर करवा चौथ के दिन ऐसे कपड़े और ऐसे चुनरी कभी नहीं पहननी चाहिए। यहाँ तक कि मैं भी ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनती। व्रत टूट जाता है, पति पर आते हैं भारी संकट। दोस्तों, ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि ये त्योहार पति के लिए किया जाता है। इसीलिए ऐसा पाप अनर्थ कभी मत करना। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, सबसे पहले आप ये जान लें कि करवा चौथ पर क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। एक सुहागिन महिला को अपने पति की निशानी कभी किसी पराई स्त्री को नहीं देनी चाहिए। इसे शास्त्रों में शुभ समझा जाता है। जैसे शादी का जोड़ा माथे की बिंदियां, सिंदूर, मंगलसूत्र, पैरों की बिछिया, आपकी शादी की चुनरी जो कि बहुत महत्व रखती है, ऐसे में कोई भी 16 श्रृंगारों में से कोई भी एक चीज कभी किसी पराई स्त्री को नहीं देनी चाहिए। शास्त्रों में इसे अच्छा नहीं समझा जाता, क्योंकि यह आपके पति की निशानी है। परंतु हाँ, आप किसी को नया वस्त्र या नया श्रृंगार दे सकती है, परंतु आप अपना दे, अन्यथा पति पर संकट आ सकते हैं। आप दोनों के बीच में दूरियां पैदा हो सकती है, पति पत्नी में प्रेम कम हो सकता है, और हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि पति पत्नी में कम हो जाए। इसीलिए थोड़ा संयम नियम का पालन अवश्य करें। दोस्तों, आप जानते हैं विशेष करवा चौथ पर ऐसे कौन से कपड़े नहीं पहनने चाहिए जिसके कारण व्रत कभी ना टूटे, पति पर कोई भी संकट ना आए। तो चलिए ये भी जान लेते हैं दोस्तों, जब किसी लड़की की होती है तो उसे लाल जोड़े में विदा किया जाता है। यहां तक कि फेरों के समय में भी लाल चुनरी पहनाई जाती है। देवी देवताओं में भी लाल कपड़े का महत्व समझा जाता है। शास्त्रों में लाल रंग और भगवा रंग बड़ा ही शुभ और मंगलकारी, अत्यंत दुर्लभ समझा जाता है। परंतु इसी के साथ ही, क्या आप जानते हैं, विशेष तौर पर करवा चौथ के दिन एकदम सफाचट सफेद साड़ी, सफेद सूट, फिर चाहे उस पर मोती ही क्यों ना लगे हो, आपको पर कतई नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि यह रंग स्त्री के विधवा होने का रूप होता है। और बात जब करवा चौथ की हो तो सफेद वस्त्र कभी नहीं पहनना चाहिए। यहां तक कि उपहार में भी एक व्यक्ति को महिला को सफेद वस्त्र नहीं देना चाहिए, बहुत ही अशुभ समझा जाता है। दोस्तों, विशेष करवा चौथ आपका शादी का जोड़ा रखा हुआ है तो उसे पहनकर इस व्रत को करने से बहुत ही शुभ समझा जाता है। शादी का जोड़ा करवा चौथ पर जब कोई महिला पहनती तो इससे पति को बहुत खुशी होती है, साथ ही साथ माता पर्वत का मिलता है आशीर्वाद, क्योंकि यह जोड़ा आपके अटूट प्रेम की निशानी है और मंत्रों से बंधा होता है, तथा बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ और देवी देवताओं का माता का आशीर्वाद मिला होता है। इसीलिए शादी का जोड़ा विशेष करवा चौथ पर अवश्य पहनना चाहिए। ऐसे में यदि आपके पास शादी का जोड़ा नहीं है तो आप बाजार से भी लाल चुनरी, लाल कपड़े पहन सकती है। दोस्तों, खास करवा चौथ पर लाल रंग का जोड़ा, भगवा रंग, हरा, पीला, गुलाबी, इन सभी रंगों के कपड़े पहने जा सकते हैं, जो कि यह रंग गलत नहीं होते। खास करवा चौथ के दिन आप पुराने कपड़े भी पहन सकती हैं। दोस्तों, खासकर करवा चौथ पर माथे में ऐसा सिंदूर कभी नहीं लगाना चाहिए होता है, घोर अनर्थ लगता है, स्त्री को पाप, और ऐसे में करवा चौथ का व्रत भी सफल कभी नहीं। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, नंबर वन, सबसे पहले आपको जब भी आप सिंदूर लगाएं तो माता पार्वती का ध्यान अवश्य करें, क्योंकि माता पार्वती ही अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती है, इसीलिए माँ के लिए एक लायक तो बनता है। दोस्तों, नंबर टू, खासकर करवा चौथ पर आप ऐसी गलती कभी ना करें, कम से कम आज के दिन माथे पर भरपूर मात्रा में जितना लंबा हो सके माथे पर सिंदूर लगाना चाहिए। ऐसा दृश्य देखकर माता पार्वती अति प्रसन्न होती है और देती है अखंड सौभाग्यवती का वरदान। माता पार्वती को बहुत खुशी होती है जब कोई स्त्री भरपूर मात्रा में सिंदूर लगाती है। दोस्तों, नंबर थ्री, कई लोग फैशन के लिए माथे पर शॉर्ट सिंदूर लगाना पसंद करते हैं, परंतु शास्त्रों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं बताया गया है। खासकर ऐसी स्त्रियों को माता पार्वती बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। यदि आप हल्का सा सिंदूर लगती है तो इससे आपके पति पर सदैव बनी रहेंगी। आपका पति किसी पराई स्त्री की ओर आकर्षित हो सकता है। आप दोनों के बीच दूरी, आपके पति के कई संबंध हो सकते हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि भरपूर मात्रा में माथे पर सिंदूर लगाने से पति पत्नी में प्रेम और बढ़ जाता है, पति भी होता है आकर्षित, मिलता है लंबी उम्र का वरदान। इसीलिए कम से कम विशेष कर करवा चौथ पर ऐसी गलती कभी ना करें। दोस्तों,
नंबर 4, सिंदूर की डिबिया। यदि हाथों से गिर जाए तो ये भी शुभ लक्षण नहीं होते। यदि ऐसा हो जाए तो माता पार्वती को याद अवश्य करें, बला टल जाती है। साथ ही साथ सुहागिन महिला को इस्तेमाल किया गया सिंदूर कभी किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये आपके पति की निशानी है। ऐसा करने से पति भटक जाता है, दोनों के बीच आती है भारी। दोस्तों, नंबर 5, यदि पका पति आपकी मांग में सिंदूर भरता है तो ये बहुत ही शुभ समझा जाता है। माता पार्वती अति प्रसन्न होती है और मिलता है 7 जन्मों तक का साथ। ये दृश्य इस बात का इशारा करता है कि आपका पति आपसे बहुत प्रेम करता है। पार्वती को होती है खुशी, मां बचाती है संकटों से। देखिए, करवा चौथ की इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी है, आपको कहीं भी जाने की नहीं है, तो वीडियो अंत तक अवश्य देखें। आज का वीडियो बहुत ही सुंदर है, ज्ञानवर्धक है। इस वीडियो में आपको करवा चौथ की विधि भी बताई गई है। दोस्तों, खास करवा चौथ पर जब आप शॉपिंग करें तो क्या खरीदें और क्या नहीं, और क्या लाना और क्या पहनना और क्या खरीदना जरूरी समझा जाता है। आइए जानते हैं। दोस्तों, करवा चौथ अब बस कुछ ही दिन दूर है, ऐसे में जरूरी हो जाता है कि अब जल्द से इस विशेष दिन के लिए जरूरी चीजों की शॉपिंग कर लेनी चाहिए। आज हम आपको बताएंगे कि विशेष करवा चौथ पर क्या खरीदें और क्या नहीं, और क्या खरीदना से उत्तम और सबसे विशेष समझा गया है। तो आइए जानते हैं दोस्तों इस विशेष करवा चौथ पर। सबसे पहले आपको बता दूं, खरीदारी करते समय क्या खरीदना सबसे विशेष गया है, ये जानना आपको बहुत ही जरूरी है। नंबर 1, कपड़े। महिलाएं करवा चौथ पर अपनी शादी में पहनी साड़ियां या लहंगे को ही पहनती थी, परंतु अब जसमझा बदल गया है। अब महिलाएं इस मौके पर नए ट्रेडिशनल कपड़े लेना पसंद करती हैं। आप चाहे ये कपड़े किसी भी तरह के ले सकती हैं, परंतु लाल, हरा, पीला, गुलाबी, मेहरून और ऑन रेंज कलर सबसे विशेष माने गए हैं। परंतु लाल रंग के जोड़े का सकारात्मक असर अलग ही आता है और इसे पहनना भी शुभ समझा गया है। दोस्तों, नंबर 2, वया वया को आसान भाषा में इस तरह समझा जा सकता है कि ये वो तोहफा होता है जो सास को दिया जाता है। इसीलिए बाजार से खरीदारी करते समय एक बहू को ये ध्यान होना चाहिए कि बाजार से अपनी सास के लिए कोई गिफ्ट अवश्य खरीदें और उन्हें दे दें। दोस्तों, नंबर 3, चूड़ियां। चूड़ियां लेना कतई ना भूलें। सुहागन के में इसका विशेष महत्व समझा जाता है, इसे अवश्य लें। इसके लिए चाहे तो आप मैचिंग चूड़ियां ले सकती हैं या फिर हैवी गड्ढे ले सकती हैं। करवा चौथ में होना बहुत ही शुभ समझा गया है, इसके बगैर करवा चौथ व्रत अधूरा समझा जाएगा। दोस्तों, नंबर 4, आभूषण। करवा चौथ पर आभूषण की खरीदारी की जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि महिलाएं अपनी साड़ी के साथ ही आभूषण लेना भी पसंद करती है। आप चाहे तो ट्रेडिशनल या फिर मॉडर्न आभूषण ले सकती है। दोस्तों, नंबर 5, करवा चौथ से पहले महिलाएं घर पर ही मेहंदी लगाई करती थी, परंतु मार्केट में उन्हें आसानी से मेहंदी लगाने वाले मिल जाते हैं। वैसे यदि आप इसके लिए लंबी लाइन नहीं चाहती हैं, तो घर पर ही मेहंदी लगाना एक बेहतर ओन ऑप्शन समझा जाएगा। दोस्तों, नंबर 6, कड़वा और छलनी। कड़वा मिट्टी से बना छोटा सा कड़वा होता है जिसमें पानी भरा जाता है। कड़वे से चांद को देखते हुए पानी चढ़ाया जाता है, वहीं छलनी से चांद को देखा जाता है और फिर पत्नी पति को देखती है, गर्व से ही पति पत्नी को पानी पिलाता है। यदि ये दोनों चीज करवा चौथ पर ना हो, आपका व्रत सफल नहीं समझा जाएगा, बल्कि अशुभ परिणाम मिल सकते हैं। दोस्तों, नंबर 7, विशेष करवा पर मोर पंख अवश्य खरीदने चाहिए। इससे सकारात्मक परिणाम हासिल होते हैं और पति पत्नी का जीवन सुखमय बीतता है। विशेष करवा चौथ पर मोर पंख घर में लाने से दौलत का आगमन भी होता है। पति पत्नी को अपने कमरे में मोर पंख अवश्य लगाना चाहिए, इससे प्यार और बढ़ जाता है। दोस्तों, नंबर 1, विशेष करवा चौथ पर तिल या सिखों का होना बहुत ही अहम समझा गया है। करवा चौथ पर अवश्य होने चाहिए। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।